तो आज मैं आ चुका हूँ क्रिएट मोड वाले वर्ल्ड के अंदर और इस वर्ल्ड के अंदर आने वाले 100 दिन में सर्वाइव करने वाला हूँ। और इन 100 दिनों के अंदर मेरे पास कुछ चैलेंजेस भी है जिनको मुझे इन 100 दिनों के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें हमारे लिए एक घर बनाना है, क्रिएट मोड का यूज करके एक बड़ी सी फैक्ट्री को बनाना है, कुछ नॉर्मल से फार्म्स को भी बनाना है, उसी के साथ साथ एंडर ड्रैगन को भी मारना है, और लास्ट हमें जो है हमारे लिए फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर भी बनाना है। सारे के सारे चैलेंजेस को हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं ये तो आपको वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। डे 1 पे मैं जो है घने से जंगल के अंदर स्पॉन हो जाता हूँ। वहीं पर थोड़ी सी लकड़ियां माइन करके मैं अपने लिए उड़न के टूल्स बना लेता हूँ। और थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद हमारे पास स्टोन के टूल्स भी आ गए थे। उसके बाद मैं जो एक्सप्लोरेशन के लिए चला जाता हूँ। उसके बीच मुझे जो है थोड़े से क्रेट के ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं, तो मैं जो है उनको भी ले लेता हूँ। शाम होते होते हमारा बेस बनाने के लिए मुझे एक अच्छी सी जगह मिल जाती है, तो वहीं पर बेड लगा के मैं सो जाता हूँ। और ऐसे ही हमारा क्रिएट मोड का फर्स्ट डे बीत जाता है। डे 2 पे मैं अपना सारा का सारा सामान एक चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़े से आयरन को स्मेल्ट करता हूँ और अपने लिए थोड़े से फूड को भी कुक कर लेता हूँ। हमारे पास अभी फूड तो आ चुका था और मुझे जो है हमारे लिए आयरन का आर्मर भी बनाना था, इसलिए मैं जो है केविंग के लिए निकल जाता हूँ। केविंग के लिए जाने के बाद मैं जो है काफी सारे आयरन को माइन कर लेता हूँ। उसी बीच मुझे काफी सारे डायमंड्स भी मिलते हैं और जिंक तो मिल ही रहा था। उसके बाद मुझे जितने भी आयरन मिले थे मैं उनको स्मेल्ट करता हूँ और अपने लिए आयरन की चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स को बनाता हूँ। और काफी सारे आयरन को माइन करके मैं जो है सरफेस के ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आने के बाद मैं थोड़ी सी क्राफ्टिंग करता हूँ और एक सॉ भी बना लेता हूँ, जिसके वजह से हम पूरे के पूरे ट्री को एक साथ ही माइन कर सकते थे। क्रिएट मोड को मैं अभी भी सीख ही रहा था, तो मैं जो काफी सारी चीजों को देखता हूँ और क्या क्या करना है इनको भी डिसाइड कर लेता हूँ। और अभी जो है मैं एक बिगनर लेवल का आयरन फार्म बनाने का डिसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है और ना ही मेरे पास उतना दिमाग है कि मैं सारी चीजें बना पाऊँ। क्रिएट मोड की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि इसके अंदर बिल्डिंग काफी ज्यादा ईजी है, मतलब इसके मैकेनिक अगर तुम एक बार समझ लोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा आसान लगेगा क्रिएट मोड। लेकिन इसकी बुरी चीज ये है कि इसकी क्राफ्टिंग करने में काफी ज्यादा समय लगता है, जो कि इसे काफी ज्यादा बोरिंग बना देता है। लेकिन एक्चुअली में ये मेरे लिए काफी ज्यादा नया था, तो मुझे ये सारी चीजें करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। बट एनीवेज मैं काफी ज्यादा देर तक क्राफ्टिंग करता हूँ और यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख देख के मैं जो अपना आयरन फार्म भी बना लेता हूँ। क्रिएट मोड का आयरन फार्म एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलता है। हम लोग जो एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाते हैं, जिसके अंदर एक ड्रिलिंग मशीन उस कॉबलस्टोन को माइन करती है और उसकी मदद से हमें जो काफी सारा कॉबलस्टोन मिलता है वो फिर हमारे मिल के अंदर जाता है, जिसमें वो क्रश होकर उसकी ग्रेवल बन जाती है। और ग्रेवल को वॉश करने से हमें जो काफी सारा फ्लिंट मिलता है और उसी के साथ साथ हमें जो अच्छा खासा आयरन भी मिल जाता है। हमारा छोटा सा आयरन फार्म तो बन के अभी रेडी हो चुका है। अभी हमें बनाना है एक डायमंड का आर्मर, जिससे हमें जो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं जो थोड़ी सी फार्मिंग करता हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा फूड मिले। उसके बाद मैं काफी सारी ट्रीज को माइन करता हूँ और हमारे फूड की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे क्रॉप्स अभी भी ग्रो नहीं हुए थे। तो मैं जो काफी सारे एनिमल्स को मारता हूँ, हमारे लिए फूड को इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद हमें काफी सारा एंडरसाइट चाहिए था हमारी मशीन को बनाने के लिए, इसलिए मैं जो है काफी सारे डायराइट को माइन करने के लिए चला जाता हूँ। उसकी वजह से हम लोग जो है इजिली एंडरसाइट को बना सकते हैं। उसके बाद हमें जो एक चीज बनानी थी, जिसके लिए हमें नेदर के अंदर जाना पड़ा था, और इसके लिए हमें चाहिए ये, इसके लिए चाहिए ये, इसके लिए भाई। तो मैं एक केव के अंदर चला जाता हूँ, वहाँ पर जाके मैं जो काफी सारे ऑब्सिडियन को माइन करता हूँ। और ऊपर आने के बाद मैं जो एक पोर्टल को बना लेता हूँ और नेदर के अंदर जाने के बाद मैं जो काफी सारे कॉर्ड्स को यहाँ पे माइन कर लेता हूँ। नेदर से आने के बाद मैं जो काफी सारे रेसिपीज को देखता हूँ, उनको क्राफ्ट करने के लिए लग जाता हूँ। उसके बाद जो मैं काफी ज्यादा दूर एक स्लाइम बायोम के अंदर जाता हूँ, वहां से मैं जो काफी सारे स्लाइम को मारता हूँ। और आने के बाद जो एक सुपर ग्लू बना के मैं जो अपनी मशीन बनाने के लिए लग जाता हूँ। मशीन बनाने के बाद मैं जो अपनी सारी की सारी मशीन को एक साथ जोड़ देता हूँ। हमारी मशीन जोड़ने के बाद हमारी मशीन माइनिंग के लिए रेडी हो चुकी थी। फिर मैं जो डायमंड वाले लेवल पे चला जाता हूँ और हमारी मशीन को रन कर देता हूँ। हमने अभी माइनिंग शुरू करी थी, लेकिन हमें जो यहाँ पे डायमंड मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो मैं काफी ज्यादा देर तक माइनिंग करता हूँ। माइनिंग करने के बाद जो है यहाँ पे काफी ज्यादा एरिया खोखला हो चुका था। उसके बाद जो है मैं ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आने के बाद एक ही चेस्ट के अंदर हमें जितना भी मटेरियल्स मिले थे उनको मैं जो है रख देता हूँ। और हमें जो है इन टोटल 46 डायमंड माइन करने के बाद मिले थे, उन डायमंड की मदद से मैं जो है अपने लिए पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ और सारे के सारे नए टूल्स भी बना लेता हूँ। और स्वॉर्ड के बाद आएगी एक और पिकैक्स, बिकॉज ये जो है काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। उसके बाद आएगी ये और फिर एक शवल। हमें बनाना था एक डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स। तो हम लोग जो डायमंड के अंदर अभी पूरे के पूरे अपग्रेड हो चुके हैं। हम लोग बनाने वाले हैं एक ट्री फार्म और एक
फूड का फार्म, बिकॉज मेरे पास फूड के लिए मैं एनिमल को मार मार के फूड ले रहा हूँ। वुड भी नहीं है, वहाँ हमें बार बार जो है फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ रहा है, रूड को लेके आना पड़ रहा है। अभी इसके बाद हमें जो भी सामान चाहिए होगा एक्चुअली हमें जो सबसे पहले तो उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हमें ट्री फार्म को बनाने के लिए काफी सारे मैकेनिकल सॉ चाहिए होगी, मतलब यहाँ पे काफी सारा आयरन हमें बेसिकली चाहिए होगा। और हमारे चेस्ट के अंदर मुझे नहीं लगता कि आयरन पड़ा होगा। और इसके अंदर कितना आयरन आया है, अच्छा 166 ये, और इससे बस जो है 20 आयरन बन पाया, मतलब काफी कम आयरन है ये। और यहाँ पर 6 और हमें जो है यहाँ पे और 26 मिल गया। और इसको जो है हम लोग जो है स्मेल्ट करने के लिए भी डाल देते हैं। और अभी जो है तब तक हमें जो है काफी सारा सामान को इकट्ठा करना पड़ेगा, मेनली हमें जो है जाके थोड़ा बहुत जो आयरन को ही लेके आना पड़ेगा। और हमारे पास ही में यहाँ पे जो काफी बड़ी केव है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर ही चल लेते हैं। नीचे तो आ गए और यहाँ पर नीचे काफी ज्यादा आयरन मुझे दिख रहा है, अभी हमें इकट्ठा करना पड़ेगा इसे। तो मैं जो है जल्दी से इसे इकट्ठा करने में लग जाता हूँ। देखो यहाँ पर जो काफी ज्यादा आयरन है, अभी हम लोग जो आयरन को लेके आ चुके हैं और इसे हम लोग स्मेल्ट करने के लिए भी लगा देते हैं। और बीच के अंदर हमें लगाना है इस वाले वाटर व्हील को, और इसके चारों तरफ ऐसे पानी जाएगा और इसके ऊपर रहेगा हमारा मैकेनिकल बियरिंग इस तरीके से, ठीक है। अब ये बैठ गए, अभी इसके चारों तरफ जाएगा ये डर्ट। तो हम लोग जो यहाँ पे 7x7 का एक जो है आउटलाइन भी बना देते हैं और बीच के अंदर उसके बाद जो हम लोग डर्ट फिल कर देंगे। और हमने जो इसको बड़ी आसानी से बना दिया है, अभी हमें जो इसके बीच में यहाँ पे काफ़ी सारे डर्ट को भरना है, मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है इसे डर्ट से फिल कर देना है। और बाकी हमारे पास जो है डर्ट ही नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं ना, अभी जल्दी से यहाँ के आसपास की थोड़ी बहुत डर्ट को माइन कर लेते हैं और उसको जो है वहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। तो मैं जो है काफ़ी ज़्यादा डर्ट माइन करके लेके तो आ चुका हूँ, लेकिन बारिश भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो बस इस वाले एरिया को जल्दी से फिल कर देना है। तो गाइज मुझे जो अभी डर्ट को माइन करने का काफी ज्यादा आलस आ रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे मशीन की मदद से हम लोग जो डर्ट को माइन करने वाले हैं। हम लोग जो मशीन की मदद से जाके देख लेते हैं कि डर्ट माइन कैसे होती है। तो अपना वाला एरिया थोड़ा सा खराब ना लगे, इस वजह से मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ इस साइड के अंदर। तो हम लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पर से मैं ना एक दो ब्लॉक नीचे चला जाता हूँ। देखो कितनी सारी डर्ट यहाँ पे जो आनी शुरू हो चुकी है। भाई क्रिएट मॉड का यही तो फायदा है, हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हमें जो इजीली काफी सारे मटेरियल इससे ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये अभी पूरा का पूरा फिल हो चुका है, अभी इसके बाद जो है हमें लगाने हैं यहाँ पर ऐसे एंडरसाइट केसिंग, और एक्चुअली हम लोग जो इनको यहाँ से लगाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ साथ हमें लगाने हैं 60 डिप्लॉयर ऐसे। अब आई थिंक हमारा जो पूरा का पूरा फार्म बन के रेडी हो चुका है। और देखो ये क्या हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा ये कर रहे हैं ये जो है, जैसे ट्री ग्रो होगा ये जो है ब्लेड जो है ना ये उनको कट करेंगे, हमें भी डैमेज देंगे। और भाई बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे, मर जाता मैं अभी। ये जो काफी ज्यादा डैमेज देंगे उनको, मतलब डैमेज इन द सेंस ये जो उनको कट कर देंगे और सारे के सारा सप्लाई यहाँ पे पूरा आ जाएगा। अभी हमारा एक तो बन के रेडी हो चुका है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं ना, अभी यहाँ की जो ट्रीज है ना मैं जो इनको क्लियर करता हूँ, और यहाँ पर जो हम लोग अपना फूड फार्म बनाएंगे सेम ही साइज का, एकदम सेम होगा ये भी। ओ भाई इसके तो काफी ज्यादा मुझे ले लिए भाई। गाइस हमारा ये वाला फार्म भी बनके अभी रेडी हो चुका है। हमने जो काफी अच्छे खासे फार्म बनाए, मतलब एक तो काफी बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है और दूसरे के रिजल्ट हमें जो है धीरे धीरे मिल जाएंगे। अंदर हम लोग जो है अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ मॉड्स को ऐड किया है हमारे इस वाले वर्ल्ड के अंदर, तो मैं जो है उनको आपको बता देता हूँ। तो हमने जो है सबसे पहले ये वाली बुक जो तुम लोग देख रहे हो, हमने जो काफी सारे एनिमल्स को ऐड किया है हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि काफी सारे एनिमल्स है, इनमें से कुछ एनिमल्स पानी के अंदर मिलेंगे हमें, कुछ ओवर वर्ल्ड के अंदर, कुछ केव्स के अंदर, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये वाले एनिमल्स हमें मिलेंगे। और उसी के साथ मैंने ऐड किया है ये वाला मॉड्स, तो तुम लोग देख सकते हो कि मैं जो है इसे यहाँ पर पहन सकता हूँ और अपने हेलमेट को यहाँ पर, मतलब मैं जो है एक ही साथ अपना हेलमेट भी पहन सकता हूँ और अपना जो गॉगल का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और बाकी लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हमने बनाए थे ये दो फार्म जो कि अभी काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग इस वाली चेस्ट को देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये फिल होने वाली है। और बाकी तुम मेरे चलने का एनिमेशन यहाँ पे देख सकते हो जो कि काफी प्यारा लग रहा है,
और बाकी फिलहाल मैं जो है इसको निकाल लेता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी फाइट होगी तब मैं जो इसे पहन लूंगा। मुझे एक चीज बताने की, यहाँ पर जो है इतने सारे वुड से यहाँ पे आ तो चुके हैं, तो हमें जो है अपना घर बनाने के लिए काफी सारे स्प्रूस वुड की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं जो है इसको बंद करूंगा, इस मशीन को हमें जो है यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है जाके जो है स्प्रूस लॉक को लेके आते हैं। पिछले वाले एपिसोड के अंदर मैं जाके जो स्लाइम को लेके आया, तब मुझे जो पता चला था कि इस वाले डायरेक्शन के अंदर एक स्प्रूस वाली बायोम भी है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमने जो है नए बैकपैक को भी ऐड किया है। यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं बैकपैक, देखो यहाँ पे आ चुके हैं काफी सारे बैकपैक, और हमें बनाना है ये वाला बैकपैक। इसके लिए हमें चाहिए एक चेस्ट, 4 स्ट्रिंग और 4 लेदर। इसको हमें रखना है मिडल के अंदर, ये दो यहाँ पे और ये और ये, तो इससे हमारा बन जाएगा एक बैकपैक, जिससे जो हमारे पास काफी सारी इन्वेंटरी आ जाएगी। और इसको हम लोग जो पहन भी सकते हैं, सबसे मजेदार बात इसे हम लोग जो ऐसे पहन भी सकते हैं। तुम लोग देख सकते हो ये जो दिखने में काफी ज्यादा प्यारा दिखता है, देखो। और हम लोग जो अभी चल लेते हैं, बाकी हमारे पास डायमंड आर्मर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अंधेरा होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो जल्दी से हम लोग चल लेते हैं और जाके जो स्प्रूस की सैपलिंग को लेके आ जाते हैं। तो हम लोग जो पहुंच चुके हैं यहाँ पे, मतलब काफी थोड़े ही दूर आए हैं, तो हम लोग जो सैपलिंग्स को लेना यहाँ से शुरू कर देते हैं। आई थिंक मुझे जो है उसको लाना चाहिए था, क्रिएट के मैकेनिकल सॉ को, जिससे हम लोग जो इजीली काफ़ी सारे को, मतलब एक पूरी का पूरी ट्री को ही काट सकते थे। और बाकी तुम लोग देख सकते हो वहाँ पर आई थिंक ये एक ब्लू वेल है, और वहाँ पर एक कौन सी तो थी। ओ भाई इतने सारे यहाँ पे क्रीपर्स क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर दो है यहाँ पर तीन है, तो इतने सारे क्रीपर्स कहाँ से आए, मारना पड़ेगा एक एक को। तो सुबह हो चुकी है और ये अभी भी मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, तो इनको यहाँ पे रख देते हैं और हम लोग जो है जल्दी से जाके अपना ट्री फार्म को शुरू कर देते हैं। वहाँ पर हमें जो है फिल्टर को सेट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जो है आज काफ़ी सारा, मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है स्प्रूस लॉक से बनने वाली है। तो सारे के सारे फिल्टर्स को हम लोग जो है स्प्रूस के लिए सेलेक्ट कर देते हैं, ये और थोड़े से बचते हैं ये, और इसके अंदर स्प्रूस लॉक स्प्रूस की ये सैपलिंग डाल देते हैं। अब ये प्लांटिंग भी करनी चाहिए प्रूस की, देखो वहाँ पे सैपलिंग्स प्लांट हो गई, बाकी धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाएगी, मैं ही निकाल देता हूँ। मतलब इतना सारा यहाँ पे वुड हो चुका है कि इसकी जरूरत ही नहीं है अभी। तो हमें इस प्रूस लॉक के साथ ही साथ काफी सारे जो है ये भी चाहिए होंगे, कॉबल डिस्लेट, जो कि हमारे पास काफी सारे पड़े हुए हैं, तो उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम लोग जो है यहाँ पे जाके हमने काफी सारी माइनिंग करी थी, तो उस टाइम जो है अच्छा खासा एंडरसाइट मिल चुका है, और आई थिंक ये वाला एंडरसाइट जो है इजिली इनफ होने वाला है हमारे लिए, और आयरन भी मिला काफ़ी सारा, और हम लोग जो इसे एंडरसाइड भी बना सकते हैं डायराइट से। तो बाकी अभी जो है हमें स्मेल्टिंग का कुछ तो बनाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए लकड़ी, उससे बनाया हमें स्ट्रिंग यहाँ पे आना चाहिए, हाँ ये चाहिए हमें सबसे पहले तो। और बाकी ये जो है हमें लगाना है, मतलब इसकी जैसा एक दिखता है स्टोरेज ड्रॉ करके उसका नाम है, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगी एक चेस्ट सबसे पहले तो। एक चेस्ट बना देते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा वो ओक स्टोर ओक ड्रॉ 1x1 आई थिंक यही है, हाँ क्राफ्टिंग रेसिपी से मुझे यही लग रहा है। तो इसके अंदर हम लोग जो इसे इनको रख सकते हैं, तो हमारे पास जितना भी सारा का सारा इंडरसाइट था ना, वो सारा का सारा भी एक ही ब्लॉक के अंदर पूरा स्टोर हो चुका है, तो हम लोग इससे ऐसे निकाल भी सकते हैं और ऐसे रख भी सकते हैं, और इससे हम लोग जो बना सकते हैं एनकेस्ट फैन। यहाँ पर रखना पड़ेगा क्योंकि पावर तो यहाँ पर ही है ना, यहाँ पर रख दे ऐसे, नहीं गलत डायरेक्शन के अंदर हो गया, ऐसे रख, सॉरी ऐसे रख देते हैं, ठीक है। इससे यहाँ पर जो है ऐसे पावर लेके आ जाएंगे, या फिर शाफ्ट से ऐसे। बाकी स्मेल्टिंग का हम बना भी क्यों रहे हैं, स्मेल्टिंग का नहीं बनाते, क्योंकि स्मेल्टिंग के लिए हमारे पास कोल तो चार कोर अभी अनलिमिटेड आ ही जाएगा ना, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है हमें, हाँ एक्चुअली लगा देते हैं हम लोग अनलिमिटेड उसको बनाने के लिए। बाकी जब स्ट्रिंग चल के हमारे पास आ रही है तो उसको छोड़ना नहीं है हमें, काफ़ी सारे वुड को लाते हैं वहाँ पर जो हम लोग उनको कुक करने के लिए लगा देते हैं। और बाकी इसने जो अभी इनको भी हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, और इसके अंदर हम लोग जो इनको लगा देते हैं, ठीक है। और बचे हुआ वुड हम लोग जो है यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें बनाना है एक मैकेनिकल शॉप, पहले हमें बना था इनके फैन, लेकिन उसकी हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें बनाना है मैकेनिकल सॉ। इसके लिए हमें चाहिए एक दो तीन आयरन शीट, एक इंगट और एक एंडरसाइट केसिंग। तीन आयरन शीट चाहिए, आयरन कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो हम लोग जो है तीन आयरन। बाकी हमें जो है ज़्यादा क्यों नहीं बनाता हो, क्योंकि हमारे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है ना अभी फ़िलहाल, वरना अगर ज़्यादा रिसोर्सेज अगर हमारे पास होते तो मैं जो है बना देता, हमें कोई दिक्कत भी नहीं आती, वो हम लोग जो फ्यूचर के अंदर बनाने भी वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हमारे पास कमी नहीं होने वाली, मुझे पता है।
देखो ये ऐसे, हाँ शाफ्ट से हम लोग जो यहाँ से इसको जोड़ सकते, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और बाकी हम लोग जो आयरन फार्म को बंद ही कर देते, क्योंकि आयरन फार्म का कोई यूज़ तो हो ही नहीं रहा है हमारे, तो इसको इसको ले लेते हैं और यहाँ से ऐसे पावर कर देते हैं। और हमें चाहिए एक छोटा सा कॉग, ये वाला, और इसे यहाँ पे लगा देना है। नहीं गलत हो गया, ये वाला तोड़ लिया हमने। हाँ अब ये जो एक काम करेगा, तो हमें जो है क्या करना है ना, बस यहाँ पर से हमें लकड़ियाँ लेनी है, एक स्टैक ले लिया और इसे हमें यहाँ पे लगा, नहीं लगाना नहीं था ऐसे। हाँ देखो अभी ये केक हो रहा है, ये जो हमें स्ट्रिप करके दे रहा है एक 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 एक, देखो ऐसे ये जो है एक स्टैक दे देगा। अब ये जो एक एक कर करता रहेगा, तब तक हम लोग जो है बाकी का काम कर लेते हैं। तो हमें अपना घर बनाने के लिए सबसे पहले तो एक जगह चाहिए होंगी, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। पोर्टल को हम लोग जो है अगर चाहिए होगा तो हम लोग जो है इसे तोड़ देंगे, हम लोग यहाँ पर जो अपना घर बना सकते हैं। जब हमें जगह कम पड़ेगी ना, तब हम लोग जो पोर्टल को तोड़ देंगे। अभी फ़िलहाल तो हम लोग जो जल्दी से इसको माइन करना शुरू कर देते हैं। हमारा एरिया तो अभी अच्छा खासा क्लियर हो चुका है, और जो भी हमारे पास यहाँ पे सीड आ चुके हैं ना, मैं जो है उनको इसके अंदर डाल देता हूँ, जिसके हमारा ये जो है प्लांट भी होता रहे और हमारा काम जो अच्छे से चालू हो जाए। और बाकी जो भी डर्ट हमें मिली है, उस सारी का हम लोग जो है यहाँ पे रख देते हैं। तो हम लोग जो अपने घर के लिए थोड़े बहुत अभी पिलर्स बना देते हैं। सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी जगह रखनी है यहाँ पे, और 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 के अंदर भी 2 जाएंगे हमारे बॉटम के लिए, या फिर 1 जाएगा, और 1, 2, 3, 4, 5 5 बचेंगे ऊपर के लिए। और हम लोग जो इसे पूरे को लेके आते हैं पीछे तक, बिकॉज पीछे तो कुछ होने नहीं वाला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, ये 6 हो गए। थोड़ा सा इस साइड को आ जाते हैं। अब ये तो हमारा बड़ा सा घर होगा, और उसके साइड में हम लोग जो उसको जुड़ के एक छोटा सा हट बनाएंगे, मतलब वो भी हमारा घर का ही एक हिस्सा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा होगा। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, ये 5 हो गए। हमारा अभी जो है बेसिक आउटलाइन बनके रेडी हो चुके हैं, बस अभी हमें इनके अंदर डिज़ाइन बननी है और बस अपना काम शुरू करना है हमें। तो हम लोग ये अपने वॉल के लिए यही यूज़ करने वाले हैं स्प्रूस लॉग, लेकिन हम लोग जो इनको स्ट्रिप करने वाले हैं, मतलब स्ट्रिप करने वाले कुछ ऐसे स्ट्रिप करने वाले हम लोग। और बाकी यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि एक आध हॉपर लगा दो, ऐसे लगा देते हैं। ओ क्रीपर क्रीपर भाई, मैं जल्दी से अपनी इन्वेंट्री से बाहर भी नहीं आ पाया, इस वजह से फूट गया, वरना मैं भाग लेता आगे। ठीक है अभी हमारा ये काम तो सॉर्ट आउट हो चुका है, कि अब ये धीरे धीरे कर रहा है और इसके अंदर आ जाएगा। और क्या भाई, कितना पीछे लगोगे एक आदमी के। और मैं क्या करता हूँ ना, इनके लिए कुछ की भी होती है, तो उन की को हम लोग जो बना देते हैं, मतलब वो काफ़ी काम की होती है, हमें जो लास्ट के अंदर बनानी ही पड़ेगी। क्वांटिटी की, ड्रॉवर की क्वांटिटी की, और ये आई थिंक हमें जो क्वांटिटी वाली की बनानी है। इस की को कैसे बनाना है, ड्रॉवर की और बुक एंड क्विल, ये तो इजीली बन जाएगी ऐसे। लेकिन ये की कैसे बनेगी, आयरन, रुको रुको रुको, हम लोग ये एक एक करके चाहते हैं। दो आयरन इंगट इसके लिए हमें चाहिए, ये नहीं, हाँ ये चाहिए, तो इससे बन जाएगा ये, उससे बनेगी ये वाली की, और जल्दी से हम लोग बना देते हैं एक दुकान क्विल और एक क्वांटिटी की। अभी इस की को हमें जो राइट क्लिक करना है इस वाले ड्रॉ के ऊपर, तो हमें जो है यहाँ पे क्वांटिटी भी दिख जाएगी कि इसके अंदर कितने क्वांटिटी के अंदर, हाँ देखो यहाँ पर जो है 586 यहाँ पे एंडरसाइट पड़े हुए हैं। अच्छा ये अब जो है मैक्स हो चुका है, इससे ज़्यादा जो हम लोग इसके अंदर रख ही नहीं सकते एक के अंदर। और हम लोग जो अपने घर को बनाना भी शुरू कर देते हैं। हमें सबसे पहले तो यहाँ पर लगाना है नीचे फ्लोर, तो बस हमें जो है इसी तरीके से ये जो है पूरा का पूरा फिल करना है। तो बाकी मैं जो है काम पे लग जाता हूँ अभी। बाकी पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे जो है गाना सुनाई दे रहा है, देखो यहाँ पर नीचे, अगर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ ना, देखो बंद हो गया, यहाँ पर कहीं पर से गाना सुनाई दे रहा है। ओ यहाँ पर बज रहा है क्या, पानी डालते हैं सबसे पहले तो। अच्छा क्रीपर के पीछे वो है, क्रीपर के पीछे वो है बैग है, उसके अंदर से गाना बज रहा है, देखो क्या हमें वो वाली बैग मिलेगी म्यूजिक वाली।
क्यों फटा भाई? मुझे वो बैग चाहिए था, बैग चाहिए था मुझे, और कुछ नहीं। बस हम लोग जो अपनी बिल्डिंग कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा जो घर बन के अभी रेडी हो चुका है, और मैं जो आपको घर का एक छोटा सा टूर भी दे देता हूँ। मतलब घर के अंदर तो वैसे कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से आप लोगों को मैं जो एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो है ऐसे एकदम खुला सा एरिया है, इसका इंटीरियर हम लोग जो है मतलब धीरे धीरे कम्प्लीट करने वाले, बिकॉज सारे के सारे प्लान्स तो अभी नहीं है मेरे पास। तो ये हम लोग जो है ऊपर वाले फ्लोर के अंदर आ चुके हैं, और ये जो है थर्ड फ्लोर पे एक छोटा सा यहाँ पे ऐसी जगह है। तो यस हमारा घर बस इतना सा ही है, और बाकी बाहर से तो दिखने में काफी ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। और मैंने जो है यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड भी बना दिया, एक ऐसा रैंडम सा, दिखने में बढ़िया लग रहा था तो मैंने बना दिया। और बाकी डेकोरेशन के साथ अपना घर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। कि हमें जो अपने डायमंड का आर्मर और टूल्स को इंचेंट करना है, तो ये जो है बिना काम का यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम लोग जो इसे भी निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें इंचेंट करने के लिए चाहिए होगा एक इंचेंटिंग टेबल, तो उसके लिए हमारे पास डायमंड तो काफी सारे है, मतलब 18 डायमंड है। हम लोग जो है माइनिंग के लिए गए थे, हमारे पास तो काफी सारे डायमंड है, 18 डायमंड है, तो इससे हमारा जो है इजीली इंचेंटिंग सेटअप बन जाएगा। लेकिन उसके लिए मेन बात हमें चाहिए होगा काफी सारे बुक शेल्फ, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे पास के अंदर इस वाले डायरेक्शन के अंदर एक विलेज है, तो हम लोग जो वहाँ पे चल लेंगे और वहाँ से काफी सारे बुक शेल्स को हम लोग जो लेके आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे जो तुम्हें एक चीज बतानी है, हमने जो अभी बैग पहना हुआ है ना, इसको हम लोग जो काफी ज्यादा अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो उसे अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें जो इसे निकाल लेता हूं, और इसे सबसे पहले तो हमें आयरन के अंदर अपग्रेड करना है। देखो ये इसे बीच में रखेंगे, बीच में, और इसे ऐसे हम लोग जो आयरन से अपग्रेड कर सकते हैं। अब आयरन के बाद आता है गोल्ड, गोल्ड भी मैंने काफी ज्यादा स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया था। ये हो गया गोल्ड से अपग्रेड, और गोल्ड के बाद ये अपग्रेड होता है डायमंड से, और इसके बाद जो ये सीधा नेदरराइट से अपग्रेड होगा। अब तुम देख ही सकते हो कि इसके अंदर कितनी ज्यादा स्पेस हो चुकी है, मतलब इतना ज्यादा स्पेस हम कैसे यूज करेंगे मुझे तो नहीं पता। अभी जो तुम लोग यहाँ पे कुछ स्लॉट्स भी दे सकते हो, यहाँ पर हम लोग जो है अपग्रेड्स रख सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके के अपग्रेड, यहाँ से जो दो बन रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए होगा ये टूल स्वैपर वाला चाहिए, 3 रेडस्टोन चाहिए, 2 गोल्ड चाहिए और 1 डायमंड चाहिए, इससे ये जो है एडवांस टूल स्वैपर बन जाएगा। अब तुम मुझे देखो इसके, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, तो मैंने जो अपने कॉपी पेन लिया है और अपने सारे के सारे टूल्स अगर मैं इसके अंदर रख देता हूँ, तो अभी तुम देखो अगर मैं इसको माइन कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में पिकैक्स आ गई, इसको कर रहा हूँ तो चवल आ गए, अगर मुझे इसे करना है तो ये आ गया। मतलब हमारे हाथ के अंदर जितने भी सारे टूल्स है ना, वो अपने आप स्वैप होंगे, इससे जो हमारा काफी ज्यादा टाइम बचेगा और इन्वेंटरी के अंदर भी काफी सारी स्पेस जो है फ्री हो जाएंगी। अभी जो है हम लोग जल्दी से चल लेते हैं विलेज की तरफ, और वहां पर जाके हम लोग जो है थोड़े से बुक्स को लेके आते हैं। लेकिन रुको, बुक्स को लेके आने से पहले मैं तुम्हें और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी वुड पड़ी हुई है, ये देखो, ये सारी की सारी ले लेता हूँ मैं। हम लोग ये ट्रेड कर लेते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। अभी हमारे पास इतना सारा वुड आ चुका है, तो हम लोग जो इसको लेके जाते हैं और वहाँ पर जाके हम लोग जो इसकी ट्रेड करते हैं। और सबसे पहली बात तो हमें जो काफी सारे वहाँ से बुकशेल्स लाने हैं, तो दूर से हमें जो अपना विलेज दिख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गाय है, तो मैं जो इनको मारता हूँ, वापस चल लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग विलेज के अंदर तो आ चुके हैं, यहाँ से एक बेड को चोरी कर लेते हैं, और उसी के साथ हमें जो यहाँ पर एक विलेजर को ढूंढना है। विलेजर को मतलब हमें एक लाइब्रेरियन चाहिए, ये बना लेते हैं बुकशेल्स, और अभी जो है बुकशेल की मदद से हम लोग इजीली लैक्टन को बना सकते हैं। यस लैक्टन बन गया। हमें थोड़ी सी जो है ग्रेवल को भी लेना है, क्योंकि हमें जो फ्लेचर को भी बनाना है, जिससे हम लोग जो है स्टिक्स की ट्रेड करेंगे। और बाकी नीचे मुझे यहाँ पे काफी सारा ग्रेवल दिख रहा है, तो माइन करता हूँ मैं जल्दी से, आपको ऊपर जाके मिलता हूँ मैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी यहाँ पे सुबह भी हो चुकी है, और मैं जो है थोड़ी सी ग्रेवल को भी लेके आ चुका हूँ, अभी इसे भी लगा देते हैं। हमारा ऑलमोस्ट काम अभी होने वाला है। यस ये आ गया, ये बन गया फ्लेचर, काम का नहीं बना लेकिन फ्लेचर, क्योंकि स्टिक्स के बदले ट्रेड करे, ये स्टिक्स के बदले ट्रेड ही नहीं कर रहा है। अच्छा मेंडिंग मिल रही है, ये तो काफी बढ़िया बुक है, मेंडिंग तो काफी बढ़िया है, मेंडिंग हम लोग ले लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है इसकी ट्रेड भी लॉक कर देते हैं, बाकी थोड़ी सी ट्रेड करने के बाद हम लोग जो इसकी ट्रेड को अभी लॉक कर देते हैं। और मेंडिंग यार ये काफ़ी सस्ते बेच रहे हैं, मतलब सस्ती तो नहीं है इतनी भी, लेकिन है काफ़ी ज़्यादा सस्ती है।
पर अभी मुझे लगता है कि हमारे पास जो है इनफ एमरेट्स आ चुके हैं, तो हम लोग जो है यहाँ से ले लेते हैं। कितने चाहिए हमें? ये होगा एंचेंटिंग टेबल के लिए, सॉरी वो सारा सेटअप के लिए, और एक टेबल के लिए एक और ले लेते हैं। गाइज हमें जो यहाँ पे फॉर्च्यून 3 मिल तो रही है, लेकिन मैं जो इस वाले पिकेक्स पे नहीं लेना चाहता जिसके अंदर डैमेज हुआ हुआ है। जो हमारी ये नई वाली पिकेक्स है, नहीं से हम लोग जो डिसइंचेंट करते हैं और इसको इंचेंट करते हैं, इसको हम लोग जो फॉर्च्यून 3 दे देते हैं। और देख लो भाई कितनी बढ़िया इंचेंटमेंट आई है, इतनी देर से हम लोगों को इसी का तो वेट था। तो गाइज हमारा आर्मर तो बन के अभी रेडी हो चुका है, इस पर जो है डिसेंट सी इंचेंटमेंट हमने लगा दी है, और उसके साथ ही साथ मेरे स्वॉर्ड पे भी डिसेंट सी इंचेंटमेंट है। और बस मैंने इसको इंचेंट किया है अपने पिकैक्स को, और एक एक्स को इंचेंट किया, बस इतने ही टूल्स को जो है हमने इंचेंट किया हुआ है। तो गाइस हम लोग खेल रहे हैं क्रिएट मोड, और क्रिएट मोड के अंदर हर दूसरी चीज को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है आयरन। तो आज हम लोग जो है एक ऐसी फैक्ट्री बनाने वाले हैं जो कि हमें एक घंटे के अंदर 6000 से भी ज्यादा आयरन को प्रोड्यूस करके देने वाली है। तो ऐसी फैक्ट्री को बनाना आसान भी नहीं होगा, उसके लिए हमें काफी सारे आयरन, कॉपर और जिंक चाहिए होंगे। तो इन सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए मैं अपनी मशीन लेके माइनिंग के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर जो मैं काफी ज्यादा देर तक माइनिंग करने वाला हूँ, उसके बाद जो मैं आपसे मिलता हूँ। और इतनी सारी माइनिंग करने के बाद हमारे पास काफी सारा आयरन, कॉपर और जिंक आ चुका है। क्रिएट मोड के अंदर एक फीचर होता है जिसकी मदद से हम लोग जो है रॉ चीजों में से काफी सारे एक्सपी को लेने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है थोड़े बहुत मटेरियल्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं, और उनसे हम लोग जो है काफी सारे मैकेनिकल क्राफ्टर्स को जो है क्राफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी खाली जगह है, तो हम लोग जो है उनको यहाँ पर जो है सेटअप भी कर देते हैं जल्दी से। और हमारे मैकेनिकल क्राफ्टर्स रेडी होने के बाद मैं जो है इनके अंदर अपने आइटम्स को प्लेस कर देता हूँ। और उनकी मदद से ये जो है हमें 2 क्रचेस को बना के दे देंगे। और अभी मैंने जो अपने क्राफ्टर्स को हटा के यहाँ पे क्रचेस को भी सेटअप कर दिया है। अगर हम लोग ऊपर से थोड़ा सा रॉ आयरन को डालते हैं तो नीचे हम लोग जो है क्रच करके थोड़ा सा आयरन मिल जाएगा, और उसी के साथ हमें जो है काफी सारे एक्सपी भी मिल जाएगी। तो राइट क्लिक करके हम लोग जो है इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमारी एक्सपी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ गई, और क्रच करने के बाद हमें जो आयरन मिला है उसको जो हम लोग स्मेल्ट करके इजिली आयरन इंगट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास तो काफी सारे रॉ चीज है, तो इनको क्रश करने के बाद तो हमारे पास काफी सारे एक्सपी आ जाएगी। गाइज अभी डे चालू है 68, आप लोग बस देखना कि हमारे फैक्ट्री को कंप्लीट होते होते डे कितने हो जाते हैं। अगर हम लोग जो है अपनी रॉ चीजों को अपने स्मेल्टर के अंदर डालते हैं तो ये जो है कुछ सेकंड के अंदर ही हमारी सारी की सारी चीजें जो है स्मेल्ट करके दे देता है। तो फिलहाल मैं इनको जो है क्रश होने देता हूँ, उसके बाद इनको स्मेल्ट करके मैं जो है आपसे मिलता हूँ। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्मेल्ट करने के बाद कितने सारे आइटम्स यहाँ पे आ चुके हैं। हमें अपने फैक्ट्री को बनाने के लिए काफी सारे ब्रिक्स की भी जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, तो उसके लिए हमें अल्टीमेटली क्ले चाहिए। उसके लिए मैं जो है अपने शोवल को यहाँ पे इंचेंट कर लेता हूँ, उसके ऊपर जो है हमें एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3 यहाँ पे मिल गई है, और इसके ऊपर जो है मैं मेंडिंग को भी लगा लेता हूँ। और हमारे पास तो काफी सारे एक्सपी है, तो उनकी मदद से हम लोग जो इसे रिपेयर भी कर सकते हैं। और अभी जो है मैं एक लस्ट केव की तलाश में जाने वाला हूँ, और वहां पर जाने के बाद हमें जो काफी सारी क्ले वहाँ पे मिलने वाली है। और गाइस हमें जो काफी ज्यादा देर के बाद एक लस्ट केव तो मिल गई है, तो इसके अंदर तो क्ले भर भर के पड़ी हुई है, तो मैं जो इसको भी इकट्ठा करना भी शुरू कर देता हूँ। क्ले को इकट्ठा करते करते हमें जो यहाँ पे 2 डायमंड मिल गए, उनको माइन करके मुझे जो 5 डायमंड मिल गए। बाकी मैं जो अपने क्ले की माइनिंग को ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ। और फाइनली गाइस काफी ज्यादा देर तक माइनिंग करने के बाद हमारे पास काफी सारे यहाँ पे क्ले आ चुके हैं। तो अभी हम लोग जल्दी से हमारे घर पे चल लेते हैं, और घर पे आने के बाद हम लोग सारी की सारी क्ले को अपने स्मेल्टर के अंदर डाल देंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी ज्यादा ये जो है क्ले स्मेल्ट हो रही है कि मैं जो इस वाले चेस्ट से उठा भी नहीं सकता इतनी ज्यादा जल्दी। अभी हमारे पास काफी सारे ब्रिक तो आ चुके हैं, तो उनकी मदद से हम लोग जो इजिली काफी सारे ब्रिक्स बना सकते हैं। तो हम लोग जो हमारी फैक्ट्री जहाँ पे बनाने वाले है ना, हम लोग जो है वहाँ पे जल्दी से चल लेते हैं। तो मैं हमारी फैक्ट्री घर के पीछे और नदी के उस पार बनाने वाला हूँ, और यहाँ पर जो है जगह प्लेन नहीं है, तो मैं जो इनको जल्दी से प्लेन कर देता हूँ। गाइस हमारी जगह तो यहाँ पे प्लेन हो चुकी है, लेकिन हमें जो काफी सारे छोटे मोटे मटेरियल्स को भी क्राफ्ट करना अभी भी बाकी है, तो मैं जो है उनको जल्दी से क्राफ्ट कर लेता हूँ।
आखिर में हमें थोड़े से ब्लेड चाहिए जिनको मैं जो है नेदर के अंदर आके पकड़ लेता हूँ। और गाइस फाइनली हमारे जो है सारे के सारे मटेरियल्स यहाँ पे बनके तो रेडी हो चुके हैं, तो हम लोग जो है जल्दी से जाके हमारी फैक्ट्री को बनाना हम लोग चालू कर सकते हैं। मैं जो है हमारे सारे के सारे मटेरियल्स को लेके फैक्ट्री वाली जगह पे आ चुका हूँ। यहाँ पर हमें जो है एक रेक्टेंगल सा प्लेटफॉर्म बनाना है, तो जल्दी से मैं उसको बना देता हूँ। ये बनने के बाद हमें जो है काफी सारे यहाँ पे क्रशेस को भी लगाना है, और मैंने जो है अभी हमारे सारे के सारे क्रशेस को यहाँ पे लगा दिया है। मैं जानता हूँ कि आपके समझ में अभी कुछ भी नहीं आने वाला, लेकिन सारा बनने के बाद जो मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। और अभी जो है हमारा बड़ा सा स्टोरेज वॉल्ट भी बनके रेडी हो चुका है, और इसके ऊपर की चीजें तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं जो इनको जल्दी से बना देता हूँ, उसके बाद जो मैं आपसे मिलता हूँ। तो यस गाइस, हमारा जो है अभी कॉम्बशन जनरेटर बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। इतनी देर से हम लोग जो एक कॉम्बशन जनरेटर बना रहे थे, लेकिन इस जनरेटर के बारे में आप लोगों को एक चीज नहीं पता कि ये हमें एक घंटे के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा कॉबलस्टोन दे सकता है। आप लोग जो है मोटा मोटा समझ लो कि हम लोग जो अपने कॉबलस्टोन को लेंगे, उसको क्रश करके हम लोग जो उसकी ग्रेवल बनाएंगे, और उसको वॉश करके हमें जो है आयरन नगेट मिलेगा। तो मैं जो वॉशिंग वाला पार्ट भी जो है यहाँ पे बना देता हूँ। तो गाइज बस इतनी सी हमारे जो आयरन प्रोड्यूस करने वाली मशीन है, लेकिन अभी भी हम लोगों को इसे पावर देने के लिए काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने वाली है। कुल मिला के मोटा मोटा मान लो कि हमें जो है 80,000 से भी ज्यादा पावर की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो इतनी ज्यादा पावर जो है हमें एक स्टीम इंजन ही प्रोड्यूस करके दे सकता है, तो हम लोग जो है अल्टीमेटली उसे ही बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर जो है मैकेनिकल हैंड भी लगा दिया है, जो कि हमारे सारे के सारे ब्लेड्स को जो है फ्यूल देगा, और इस वाले टैंक के ऊपर जो है हम लोग अपने पिस्टन्स को लगा देते हैं, और शाफ्ट की मदद से हम लोग जो है उनको जल्दी से कनेक्ट भी कर देंगे। और ये लास्ट वाला हैंड क्रैंक घुमाने बाद जो है हमारा अभी इंजन चालू हो जाएगा। आप लोग देख ही सकते हो कि ये हमें जो है अभी आइडल पे है, और हमें जो है ये 2000 की पावर जनरेट करके दे रहा है। सारा कुछ कनेक्ट करने के बाद जो है हमारा मैकेनिकल हैंड भी काम कर रहा है, जो कि अभी ब्लेज को यहाँ पे फ्यूल दे रहा है। और आप लोग यहाँ पे पावर भी देख सकते हो, जो कि अभी 16,000 तक जा चुकी है। और एक आखिरी बार हम लोग जो इसे स्टार्ट कर देंगे, और शाफ्ट को भी यहाँ पे लगा देंगे। अभी जो है हमें 2000 की ही पावर दे पा रहा है, लेकिन हम लोग जो अपने अगर मैकेनिकल हैंड को कनेक्ट कर देते हैं, तो मैकेनिकल हैंड जो है हमारे ब्लेज को अभी खाना दे रहा है, मतलब फ्यूल दे रहा है। और आप लोग यहाँ पे पावर देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ये बंद क्यों हुई? अभी जो है मैंने ना दिक्कत तो सॉल्व कर दी है, तो ये जो है बंद बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अभी हमारे इंजन की पावर 1.5 लाख तक जा चुकी है, तो अभी मैंने हमारे फैक्ट्री के लिए पावर का तो जुगाड़ कर लिया। अभी हमें जो है इस पावर को अपने मशीन से कनेक्ट भी करना पड़ेगा, वो जो है मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइज अभी जो है हमारा आयरन फार्म कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, बस हमें जो है ऊपर जाके अपने कॉबलस्टोन फार्म का चालू कर देना है। इसके बाद हमारी पूरी की पूरी फैक्ट्री वर्क करने शुरू हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो कि ऊपर कॉबलस्टोन प्रोड्यूस हो रहा है, और उसको क्रश होके अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारी ग्रेवल आ रही है, और वो वॉश होके हमें जो है काफी सारा आयरन यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 2 आयरन के ब्लॉक आ चुके हैं। अभी मैं जो है यहाँ पे एक अपग्रेड को क्राफ्ट कर लेता हूँ, जिससे जो है हमारे स्टोरेज के अंदर काफी सारे आइटम्स यहाँ पे स्टोर हो पाएंगे। मतलब यू मान लो कि 16,000 से भी ज्यादा आइटम यहाँ पे अभी स्टोर होने वाले हैं। अभी हमारा पूरा का पूरा फार्म तो बनके रेडी हो चुका है, अभी हम लोग जो इसके एक्सटीरियर पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अभी हम लोग जो हमारे बैग में से काफी सारे ब्रिक को लेते हैं, और उनको ब्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करके हमारे वॉल्स बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने जो है हमारे फैक्ट्री का नीचे वाला बेस ही बनाया है, लेकिन इसके आगे क्या करना है मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। उसके बाद कॉपी वर्ल्ड के अंदर आने के बाद मैं क्रिएटिव के अंदर हमारी फैक्ट्री को डिजाइन करता हूँ। डिजाइन करने के बाद मुझे समझ में आ जाता है कि इतनी क्ले से हमारा बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला, तो मैं जो है और भी क्ले लेने के लिए आ जाता हूँ, और काफी सारी मतलब कुछ ज्यादा ही क्ले को जो है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। और उनको लेके आने के बाद मैं जो है वापिस उनको जो है स्मेल्ट करने के लिए लग जाता हूँ। और सच में यार मुझे जो है ये वाला सुपर स्मेल्टर काफी ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि मैं जो है यहाँ से उठा रहा हूँ सामान और अपने बैग के अंदर रख रहा हूँ, तब तक जो है चेस्ट के अंदर काफी सारा वापस से आ जा रहा है, तो ये जो है काफी ज्यादा फास्ट है। उसके बाद मैं जो है एक कैनन को बनाता हूँ, हाँ इसका काम मैं आगे बताता हूँ, और कैनन के साथ ही साथ और एक चीज को बनाता हूँ। तो मैं जो है हमारे कॉपी वर्ल्ड के अंदर से इसकी स्कीमेटिक लेके आया था, और अभी जो है हमें इसे यहाँ पे लोड करना है। लोड करने के बाद हमने इसे यहाँ पे परफेक्टली लाइनअप भी कर दिया है। अभी हम लोग हमारे कैनन के अंदर एक खाली शीट डालेंगे, और उसके अंदर सारे के सारे हमारे मटेरियल्स आ जाएंगे जो भी हमें चाहिए होंगे। तो इनको इकट्ठा करना काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं जो इनको जल्दी से इकट्ठा कर लेता हूँ। तो अभी टाइम है एक छोटे से मॉन्टेज का।
अभी हमारा जो है सारा का सारा सामान रेडी हो चुका है और मैंने जो है इसे अपने कैनन के पास जो है प्लेस भी कर दिया है और मैंने जो है अपनी कैनन को भी यहाँ पे जो है स्टार्ट कर दिया है। अभी आप देख ही सकते हो कि ये जो है अपने आप पूरी की पूरी बिल्डिंग करना शुरू हो चुका है और ये जो है ब्लॉक्स को भी रिप्लेस कर सकता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस हमें जो है यहाँ पे एफ के करना है और बाकी अभी जो है मैं आपको बिल्डिंग पूरे होने के बाद ही मिलता हूँ। अभी हमारे फैक्ट्री का एक्सटीरियर तो कंप्लीट हो चुका है, अभी बारी है इसका इंटीरियर कंप्लीट करने की। मुझे लगता है कि ये दोनों जगह जो काफी ज्यादा खाली लग रही है, तो यहाँ पर हम लोग जो कुछ तो डेकोरेशन के लिए बना देते हैं। यहाँ पर मैं जो है थोड़े से शाफ्ट और कन्वेयर बेल्ट का यूज करके ऐसे दिखाने वाला हूँ कि नगेट जो है इंगट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और इंगट जो है आयरन ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मैं जो है जल्दी से इसको बना देता हूँ। अभी मैंने जो है इसका ढांचा बना दिया है, इसके अंदर और थोड़ी सी टेक्निकल चीजें जोड़ने के बाद और थोड़ी सी पावर देने के बाद ये जो है वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएगा, तो मैं जो है जल्दी से उसको भी जो है बना देता हूँ। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें थोड़े से मटेरियल कम पड़ रहे हैं, तो हम लोग जो है फिर से थोड़ी सी जो है क्राफ्टिंग कर लेते हैं और थोड़ी सी पेट पूजा भी जरूरी है। और जो हमने फनेस क्राफ्ट किए हैं उनको हम लोग जो है आइटम वोल्ट के अंदर लगा देंगे, जिनके मदद से आइटम हमारे इसके अंदर से बाहर आ सकते हैं। अभी हम लोग जो है इसके ऊपर थोड़े से आइटम्स डाल देते हैं जो कि आइटम खुद ही घूमते रहेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि नगेट जो इंगट बन रहा है और इंगट ब्लॉक बन रहे हैं। और बैक साइड के अंदर एक ही बेल्ट जोड़ के हम लोग जो है सभी बेल्ट्स को पावर दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है लॉक को थोड़ा सा स्ट्रिप करेंगे और उसके बाद हम उनसे कॉपर केसिंग बना लेंगे और फाइनली जो भी चीजें बची थी हम लोग जो है उनको भी बिल्ड कर देंगे। और गाइस इसी के साथ हमारी जो पूरी की पूरी फैक्ट्री अभी बन के रेडी हो चुकी है। जैसे हम लोग जो अंदर आते हैं आप लोग सामने यहाँ पे एक बोर्ड देख सकते हो जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है 1-2 सेकंड पे। उसके अंदर दिखाता है कि कितने आयरन ब्लॉक हमारे पास अभी पड़े हुए हैं और यहाँ पर से हम लोग जो एक एक स्टैक आयरन को ले सकते हैं। और अगर मैं इसे यहाँ पर डालूंगा ना तो ये जो अपने आप इस वाले स्टोरेज के अंदर चला जाएगा जिसके अंदर काफी ज्यादा स्टोरेज है। और अभी तुम स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो कि ये जो अपडेट होके कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और दूसरी साइड पर हमारा जो ये कन्वेयर बेल्ट है जिसमें से एक साइड से नगेट आ रहे हैं, फिर इंगट आ रहे हैं और उसके बाद जो है ब्लॉक आ रहे हैं, जो कि ऐसा दिखा रहा है कि ये चीजें एक दूसरे के अंदर अभी कन्वर्ट हो रही है। और ये हमारा पूरा का पूरा आयरन फार्म भी वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी फैक्ट्री अभी जो है पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये प्रेशर प्लेट क्या कर रही है, वहां पर TNTs किसने लगाए? नहीं 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 तो इसी के साथ हमने सर्वाइव कर लिया 108 दिन इन क्रिएट मोड। बाकी हमारी ये वाली सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको हर एक एपिसोड को देखना है तो आप लोग चैनल पे जा सकते हो, हर एक एपिसोड इससे भी ज्यादा डिटेल के अंदर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी मिलता हूँ आपको मैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।